Hey guys, welcome back to Class Go Education. This is Gaurav. So today I took a very important and informative topic, that is why different color strips are there on milestones. जब भी आप ट्रैवल करते होगे तो ट्रैवलिंग के समय आपने ये देखा होगा कि रोड के साइड पे एक स्टोन टाइप का स्ट्रक्चर होगा और उस स्टोन टाइप के स्ट्रक्चर पे कुछ किलोमीटर्स लिखे होंगे या फिर डायरेक्शन गिवन होगा. बट अगर आपने इम्फेसिस दी होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि उस स्टोन टाइप स्ट्रक्चर में कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी होगा, जैसे कि येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ग्रीन या वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ब्लू या ब्लैक वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, और या फिर ऑरेंज और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हो. ठीक है, जैसा कि आप देखिए स्लाइड में वाराणसी का एक जो माइलस्टोन है जिसमें येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, और एक माइलस्टोन और है जिसमें देवरिया लिखा हुआ है और इसमें ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है. सो ये कलर का वेरिएशन क्यों, और ये कलर का वेरिएशन क्या सिग्निफिकेंस है इसका, और ये क्या डिमार्केशन ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच में कुछ इसका इंटरलिंक है. सो वील सी दीज एस्पेक्ट्स इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स एंड ट्राई टू गेट थ्रू वॉट एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड द कलर वेरिएशन. सो आप देखो यहाँ पे मैंने कलर कॉम्बिनेशन में चार कलर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं. जैसे कि पहला कलर कॉम्बिनेशन देखो येलो और वाइट है, तो अगर येलो वाइट का माइलस्टोन आप देखते हो तो आप समझ जाइएगा कि दैट यू आर ट्रैवलिंग ऑन द नेशनल हाईवे. ओके, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे जो मेंटेन्ड होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से. अगर आपको ग्रीन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का माइलस्टोन नज़र आता है तो आप समझ जाइएगा दैट यू आर ट्रैवलिंग ऑन द स्टेट हाईवे. ओके, एंड स्टेट हाईवे मेंटेन क्या होता है, मेंटेन बाय स्टेट इट्सेल्फ. अगर आप ब्लैक और ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन इसका जो स्ट्रिप है और इसका माइलस्टोन आप देखते हो तो आप समझ जाइएगा दैट यू आर ट्रैवलिंग टू सम मेन सिटी और अ डिस्ट्रिक्ट. ओके, और अगर आप ऑरेंज और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का माइलस्टोन देखते हो तो आप ये भी समझ जाइएगा कि यू आर एंटरिंग इन द विलेज, और ये जो विलेज है वो बेसिकली वहाँ की जो रोड का कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ओके, सो दीज आर द फोर कॉम्बिनेशन, दैट इज़ येलो वाइट, ग्रीन वाइट, ब्लैक, ब्लू वाइट एंड ऑरेंज वाइट. आप इन पर ध्यान दीजिएगा और ये एम्फसाइज रखिएगा तो आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग में आसानी भी हो सकती है और इंटरेस्टिंग भी लगेगा. जब भी अगली बार आप ट्रैवलिंग करिएगा तो कोशिश करिएगा इस तरीके के माइलस्टोन्स कैसे आते हैं, कहाँ पे आते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस टेक सम फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल हाईवेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू जस्ट सी द फर्स्ट फैक्ट दैट इज़ आई स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे. अगर आप पूछा जाए अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, ठीक है, तो आप बताइएगा कि नेशनल हाईवे 47A. ठीक है, ये जो नेशनल हाईवे है ये 6 किलोमीटर की लेंथ का नेशनल हाईवे है और इट बेसिकली लिंक्स द आइलैंड ऑफ विलिंगडन विथ कोची बाईपास. ओके, और नेशनल हाईवे 47A जो स्टार्ट होता है ये कुंदानूर जगह से होता है एंड इट इज़ अ सिटी ऑफ कोची इन केरला. ओके, अगर आप देखोगे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप ये हमेशा याद रखिएगा इट वुड बी नेशनल हाईवे 44. कभी कभी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे 7 जो है हमारा वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, बट इसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है और अब जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है दैट इज़ नेशनल हाईवे 44. ठीक है, अगर आपसे ये कोई पूछता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ बेसिकली द नेटवर्क ऑफ हाईवे विच कनेक्ट्स 4 मेट्रो सिटीज़, बेसिकली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. जो नेटवर्क हाईवे का है अगर वो 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है जो मेन सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो इस पर्टिकुलर जो नेटवर्क है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ईस्ट वेस्ट जो कनेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप याद रखिएगा ये पोरबंदर से सिलचर तक है. सिलचर बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट सिटी है असम की और पोरबंदर आप जानते ही हो गुजरात का है, रीजन है. उसी के बाद एक आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि जो एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है बेसिकली दैट इज़ भारतमाला परियोजना, तो इस परियोजना के तहत क्या है कि
गवर्नमेंट को बिल्ड करना है 83,677 किलोमीटर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन होना है, ब्रिजेस का होना है, और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो 6.9 लाख प्रपोज्ड है। सो दीज आर दी सम बेसिक फैक्ट्स विच आर ऑफन आस्क्ड इन दी कॉम्पिटिशन्स। सो आई हैव कवर्ड दैट वन, आई एम जस्ट ब्रीफिंग वंस अगेन दैट इज स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे 47A है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, चार मेट्रो सिटी को जोड़ने वाला, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट अगर आप देखोगे तो पोरबंदर से सिलचर है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट का एक प्रपोज प्रोजेक्ट है जिसको 2022 में कंप्लीट करना है और इम्प्लीमेंटेशन 2017 से स्टार्ट हो चुका है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रोड्स, एक्सप्रेसवे, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का है और पूरे तरीके से, और इन्वेस्टमेंट 6.92 लाख प्रपोज्ड है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है इसको कहते हैं भारत माला परियोजना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनल हाईवे एंड द कलर डिमार्केशन, कलर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, and I will be coming with some more informative videos in the subsequent series. So thank you, do subscribe, recommend Classgo Education to your friends, stay tuned, have a good day.